नमस्कार दोस्तों, मैं समीर डिजिटल पावर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जितने भी स्टूडेंट 2019 में जो ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किए हुए थे, तो उनका एग्ज़ाम का जो सिटी है, एग्ज़ाम किस शहर में है, शहर यहां पे दिखाना शुरू किया जा चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना जो सिटी एलिमिनेशन है, एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ, एग्ज़ाम सिटी किस शहर में होने वाला है, वो आप कैसे देखेंगे। बहुत से दोस्तों का ये भी यहाँ पे कमेंट हो सकता है कि हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हम कैसे प्राप्त करें, तो ये सभी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जो मैंने एक स्टूडेंट का देखा है सिटी एलिमिनेशन, उनका एग्ज़ाम शेड्यूल जो है वो आपका कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके एग्ज़ाम सीतापुर में है, उत्तर प्रदेश स्टेट है, और एग्ज़ाम डेट और शिफ्ट जो है थर्ड शिफ्ट में है। आपका एग्ज़ाम का जो शिफ्ट के अनुसार दिया गया है, फर्स्ट शिफ्ट आपको 8:30 से 9:30 बीच के बीच में आपका जो डेट है वो आप उपस्थित हो जाना है 9 बजे तक। आपका एग्ज़ाम 90 मिनट का होने वाला है, जिसमें आपको 120 सीबीटी जो होगा 90 मिनट फॉर 100 क्वेश्चन और 120 फॉर पीडब्ल्यूडी के लिए रखा गया है। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड जो है वो यहाँ पे आपको 12 से और यहाँ पे 90 मिनट आप जोड़ लीजिएगा, थर्ड जो है वो आपको 3:30 से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैसे आप डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, सर्च बार में आपको टाइप कर देना है जो भी बोर्ड हो या किसी भी बोर्ड से हो, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पर RRB महाराष्ट्र सर्च किया, उसके बाद आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा RRB मुंबई का ऑप्शन, सर्च पे क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने RRB का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होके आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट मैसेज मिलेगा, क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा, जहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइड करना है ताकि आप अच्छे से उसको रीड कर सकें। उसके बाद यहाँ पे अब आपको आएगा जो भी यहाँ पे पोस्ट है CN नंबर 1 के, देख सकते हैं। अगर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं, या जो भी यहाँ पे आपको कोई सहायता है, हेल्प डेस्क लेनी है, तो यहाँ से आप कमेंट करेंगे। सिटी एलिमिनेशन के लिए यहाँ पर आप देखेंगे, और मॉक टेस्ट के लिए जो पहली बार एग्ज़ाम ऑनलाइन दे रहे हैं, मॉक टेस्ट के लिए आपको ये वाला लिंक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन अगर भूल चुके हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कौन सा रेलवे था, किस बोर्ड से आप फॉर्म फिलअप किए थे, सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, जन्मतिथि डालना है, आधार नंबर, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर कोई एक डाल देना है, और कैप्चा डाल देना है। उतना करने के बाद सबमिट कीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद फिर से बैक आ जाना है। उसके बाद अब आपको अपना सिटी देखना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्लिक हेयर टू व्यू सिटी एलिमिनेशन स्लिप, क्लिक कीजिएगा। आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा आपसे, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है जो आपने अभी प्राप्त किया है, या आपके पास होगा तो डाल दीजिएगा। उसके बाद जन्मतिथि डाल देना है, और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपके सामने आपका सिटी एलिमिनेशन ओपन होकर चला आएगा, और यहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम सेंटर और शहर देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह आप अपना सिटी एलिमिनेशन चेक कर पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन से अपने घर बैठे। आपका एग्ज़ाम का जो सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर, वो आपको 4 दिन पहले आपको शो करा दिया जाएगा, यानी एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर किस जगह है, किस कॉलेज में है, वो आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरह अपना चेक करेंगे, और किसी प्रकार का दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।